और गुरु भक्ति कौन ठीक से करेगा? कई लोग पूछते हैं हमारी गुरु भक्ति बढ़े ऐसा आशीर्वाद। तो गुरु भक्ति, तो गुरु को जब तुम अपने आत्मा के रूप में देखोगे तब तुम्हारी गुरु भक्ति दृढ़ होगी, क्योंकि गुरु अपनी आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। मातृकुलम पितृकुलम गुरुरेव न संशय, कि तुम्हारी माता का कुल, तुम्हारे पिता का कुल, ये भी गुरु है। जो गुरु को सिर्फ मात्र एक शरीर में आबद्ध कर देते हैं, तो शरण तो गुरु की होते हैं लेकिन मान्यता लघु बना देते हैं, गुरु तत्व को नहीं समझ सकते। गुरु तत्व है, मात्र मनुष्य नहीं। भजन गाया, सतगुरु को ब्रह्म ही मान ले बस हो गया भजन, सतगुरु को ब्रह्म ही मान ले बस हो गया भजन, 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 सतगुरु को ब्रह्म ही मान ले बस हो गया भजन, सतगुरु को ब्रह्म ही मान ले बस हो गया भजन। प्रारंभ जो होता है गुरु स्तुति मंगलाचरण, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देव हैं, लेकिन गुरु ब्रह्मा भी हैं विष्णु भी हैं महेश भी हैं, कि मेरे भीतर सद्विचारों का निर्माण, सद्विचारों की उत्पत्ति ब्रह्मा के रूप में करते हैं इसलिए वो ब्रह्मा है। मेरी सत प्रवृत्ति को, मेरी सेवा को, मेरी साधना को चलाने का पावर शक्ति देते हैं इसलिए वो विष्णु है। मेरी दुर्विचार बुरे विचार दुष्प्रवृत्ति का संहार करते हैं इसलिए वो शंकर है। और ये तीन देव हैं, यहां तक नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म है। ऐसा मत समझो कि इधर जो सामने रखा हुआ है गोल गोल काला काला पत्थर गंडकी नदी का पत्थर नहीं है, शालिग्राम स्वयं परमात्मा है। लंब गोल जिसके ऊपर मैं बिलीपत्र चढ़ा रहा हूं दूध चढ़ा रहा हूं वो पत्थर नहीं है, स्वयं शिवलिंग है, शिव स्वरूप है, ऐसा समझे। तुलसी पौधा नहीं है, गाय ये जानवर नहीं है, गंगा ये नदी नहीं है, सूर्य ये चमकता हुआ गोला नहीं है, और गुरु ये मनुष्य नहीं है, परमात्मा की विभूति है, ऐसा ऐसा। श्रद्धा चाहिए पहले, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्म। बोले हम कैसे श्रद्धा करें? क्या तुम्हारे पिता के ऊपर तुम्हें श्रद्धा नहीं करनी पड़ती? क्या तुमने देखा था कि ये तुम्हारे पिता है? कभी? क्या तुमने देखा था कि ये तुम्हारी मां है, तुम्हारी चाची है, तुम्हारी दादी है, तुम्हारे दादा है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है? तुम कैसे मानते हो? क्या तुमने देखा था? क्या तुम्हें अनुभव हुआ? मानते कि हमारी बहन है, हमारे भाई है, मेरी मां है, मेरे पिता है। एक ड्राइवर के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, हम बस में बैठते हैं, हम मैसूर पहुंचेंगे, चेन्नई पहुंचेंगे, हैदराबाद जाएंगे, पुणे जाएंगे, कई बसें गिर जाती, एक्सीडेंट हो जाते, कई लोग हॉस्पिटलों में चले जाते, बेहोश हो जाते हैं, लेकिन इससे बसों की मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं होती, बनती है, यात्री बैठते हैं। कई प्लेन आज तक समुद्र में डूब चुके, कई प्लेन क्रश हो चुके, कई प्लेन रनवे से उतर गए, कई प्लेन जल गए, कई हादसे हो गए, लेकिन उसके बावजूद प्लेन बनते हैं, लोग उसमें बैठते हैं, एक श्रद्धा है। उस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ
लेकिन हम जिस प्लेन में बैठते हैं उसका तो नहीं होगा, एक श्रद्धा है और कुछ नहीं। गोधरा कांड हुआ, डब्बे के डब्बे जल गए, दुनिया जानती है। कोई रेलवे दुर्घटना एक बार नहीं, कईयों बार हुई है, फिर भी रेलवे में लोग बैठते हैं श्रद्धा लेकर। पायलट पहुंचाएगा, ड्राइवर पहुंचाएगा, और कहां की बात करो। आप जिस होटल में या रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, ये श्रद्धा है। हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें जहर नहीं मिलाया हुआ है, ये ठीक भोजन है। बासी नहीं है, दो दिन पुरानी सब्जी नहीं है, ताजी सब्जी बनी है, ऐसी श्रद्धा। जिस हजाम के पास आप बाल बनवाने जाते हैं और दाढ़ी बनवाने जाते हैं, एक श्रद्धा है, मेरी दाढ़ी ठीक करेगा, कैंची से उस्त्र से मेरा गला नहीं काटेगा, एक श्रद्धा है। जयराम जी की। तो जो गुरु या जो संत तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाए, लौकिक संसार में से अलौकिक दुनिया की यात्रा कराए, उसके प्रति श्रद्धा एक प्राथमिक गुणधर्म है, उसके बिना काम नहीं चलता। मनोरथों को पूर्ण करने वाली श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धया तुष्यते हरि ही, कि श्रद्धा से सब सफल होता है, श्रद्धा से मनोकामना पूर्ण होती है, और श्रद्धालु ही ज्ञान का अधिकारी है। श्रद्धा ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधि गच्छति, कि वो ज्ञान को प्राप्त करके पूर्ण शांति को, परिपूर्ण शांति को प्राप्त करता है। आइए थोड़ी देर श्रद्धा से, विश्वास से परमात्मा का ध्यान करें। हरि जन्मनामन्ते ज्ञानवानं मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति समहात्मसु दुर्लभः, एक एव परो बन्धुर्विषमे समुपस्थिते, गुरुः सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिः सुदेव है, इस प्रकार अनुभव करता है, देखता है, बहुत दुर्लभ है। जैसी तन में प्राण रहे तैसी प्रीत संधि डोरी, तो पासे सुरंदी रहे। जाचे डिठी मु दुनिया मतलब जी आसारी, ये बहरा आ उजरी पर अंदरा आकारी, इन अहड़ी दुनिया खां मुझी ठरे कि न ठरे। जैसी जीव में जान रहे जैसी तन में प्राण रहे तैसी प्रीत संधि डोरी, हे मुझा मालिक, हे मुझा बाबा, हे मुझा सतगुरु, तो पासे सुरंदी रहे। डप आहे मुखे इहो वन्या तोसा न मा विछड़ी,
ये प्रीत संधि डोरी अन्या आहे डाढ़ी कचड़ी तू जोर सा झल जा दासन दास चवे दिसी मुझे मदान के मता मुखड़ो मुखा मोड़ी घना ऐब मुझा भारी मता दिल जी तार तोड़ी ये नंढड़ो ही बालिक बिन माता पिता जे रहे जैसी जीव में जान रहे जैसी तन में प्राण रहे तैसी प्रीत संधि डोरी ही मुझा मालिक तो पासे सुरंदी रहे मुझा प्यारा साई बुधो आया बाल तुम्हा जो माँ ये कूड़ी दुनिया में हाने आया अकेलो माँ अची हथ मुझो पकड़ियो जैसी पार मुखे न कयो जैसे जीव में जान रहे तैसी तन में प्राण रहे प्रीत संधि डोरी तो पासे सुरंदी रहे डिनी आंगुर मां तोखे तू हथ मुझो पकड़ियो सिख कोन हुई मुँह में पर प्यार तुझे जकड़ियो अची हथ मुझो पकड़े जैसी पार मुखे न करे प्रीत संधि डोरी हे मुझा मालिक हे मुझा साईं हे मुझा सबाजा सतगुरु दाता तो पासे सुरती रहे प्रार्थना सच्चे हृदय की भक्त सच्चा गाए हैं तो कृपा निधान के कान में झट पहुंच ही जाए। प्रार्थना में ये नहीं देखा जाता कि शब्द क्या है, श्लोक में बोली जा रही है कि स्तुति की जा रही है, भजन गाया जा रहा है या गीत गाए जा रहे हैं। प्रार्थना सच्चे हृदय की हो ये जरूरी है, उसमें भाव की प्रमुखता है, भक्ति की प्रमुखता है। कभी कभी अकेले में बैठकर अपने ईश्वर के साथ अपने गुरु के साथ अपना नाता बांधना चाहिए। थोड़ी बहुत देर इस नश्वर दुनिया को भूलकर शाश्वत परमात्मा में गोता मारना चाहिए और अपनी प्रीत उस परमात्मा से जोड़नी चाहिए। कलयुग में भगवान के नाम का सहारा अद्भुत है। Thank you.